हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। कैसे हैं आज आप? प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ, प्रभु की जय जयकार उसकी बुलाहट के अनुसार आपके और मेरे जीवन से हो। आमीन। कैसा लगता है आज आपको, आज की सुबह क्या महसूस करते हैं आप? क्या आप खुशी और आनंद महसूस करते हैं? मे बी, मे नॉट बी। वेल, जो खुश हैं उनके लिए तो ठीक है। मुझे याद है कि मैं एक जगह पर था, मुझे ठीक से याद नहीं है कि किस विषय पर बातचीत हो रही थी, बट समबडी सेड कि कोई कंपनी किसकी तरफ देखती है, मतलब जिसने रिव्यूज़ दिए हैं, तो जो 5-स्टार रिव्यूज़ देता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान देने वाली बात है जो जिसने 1 स्टार दिया या 2 स्टार दिया, क्या प्रॉब्लम है उसका? हमने जो भी कुछ किया है उसमें इसको 1 स्टार 2 स्टार देने का कारण क्या है? कहाँ कमी रह गई कि हमें 5 स्टार नहीं मिले? तो जो खुश है उनके बारे में नहीं है, लेकिन जो दुखी है, जिनको समस्या है, उनकी समस्या का समाधान करो। दैट्स द रूल, राइट? वर्ड ऑफ गॉड, यू नो, ही इज ऑलवेज स्पीक। परमेश्वर का वचन भी कहा कि वो वैद्य की जरूरत किसको है? भले चंगों को नहीं है, वैद्य की जरूरत, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है किसको? दुखियों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, जिनके लिए वैद्य कुछ कर सके। और परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम सब पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित वचन आया जिसने आपको और मुझे जीवन दिया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज भजन 140। है यह हुआ, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी से मेरी रक्षा कर। जो उपद्रव करते हैं ना, झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे मेरी रक्षा कर। मैं कुछ जगहों को मैं जानता हूँ जहाँ लोग हमेशा उपद्रव करने के मूड में रहते हैं। मैंने सुना है, रिसेंटली मैंने सुना एक महिला को, ये लोग सुधरेंगे नहीं तो किसी से मेरे हाथ से इसमें से किसी का मर्डर ना हो जाए। मैंने कहा इतनी बड़ी बात ये महिला बोल कैसे सकती है? अच्छा है कि मेरा सामना नहीं हुआ उनसे, हालांकि मेरा मामला नहीं है, पर मैंने किसी के बारे में सुना। इट्स अ नेबर्स मैटर, राइट? और इतनी बड़ी बात बोलना बहुत गंभीर बात है। बट एनीवे, ये भजन जो है, इस पर इसका जो टाइटल है वो है रक्षा के लिए प्रार्थना। तो क्या है रक्षा की प्रार्थना? मैं 2 वचन से पढ़ूंगा। क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाइयां बचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। यदि आपके साथ कोई बिना किसी कारण या अकारण कोई आपके लिए समस्या खड़ी करता है, तब आप क्या करोगे? जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा, पर अब जब आप धर्मी व्यक्ति हो तो क्या आप अधर्मी को धर्म के अनुसार जवाब दोगे? नहीं, तब आपका प्रार्थना करना बनता है। मैं देखता हूँ कभी कभी मनुष्य सीधी जिंदगी जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि लोग आकर परेशान करेंगे, और ये करने में उनको कोई संकोच भी नहीं है, खुशी से करते हैं। ये सच है कि उनका स्वभाव गलत है, लेकिन फिर भी अगर आम के पेड़ के पास नीम की निमोलियाँ अगर उगने लगें, आम अपना फल देना नहीं छोड़ता, वैसे ही आपको भी अपना फल देना नहीं छोड़ना चाहिए, isn't it? पढ़ेंगे इसके आगे 5 पद। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे लिए रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, क्योंकि बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। वैसे ये बात सच है, लोगों की बुरी युक्तियां भी सफल होती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि युक्तियां बुरी हैं, लेकिन कभी कभी मैं ये बोलने से चुप हो जाता हूँ। राजनीति जो चल रही है, हम भले ही राजनीति पसंद ना करें, हम उनकी युक्तियों को भले ही पसंद ना करें, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहोवा होने देता है। हाँ, कुछ चीज़ें, वेल, इसका निर्णय तो करना संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है जब तक कि वो स्वयं ना बताए। बट वी शुड कीप आवर सेल्फ इन द वे लाइक God wants us, जैसा प्रभु चाहता है हमको अपने आप को वैसे ही रखना चाहिए। 9 वचन में लिखा है, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर न उठ सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करें। खासतौर से जब इस तरह की बात हम पढ़ते हैं, बोलते हैं या चर्चा करते हैं, देखो हम देखते हैं कि अधर्मी फलता फूलता है, भरपूर होता है उसके पास, और अपने जीवन भर में बहुत कुछ उल्टा सीधा कर कुरा के वो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, अपनी सारी जरूरतें पृथ्वी पर वो पूरी करते हैं। हाँ, न्याय का दिन है और न्याय भी होगा, अब लोग यही कहते हैं, लेकिन न्याय के दिन तक तो उसने आनंद मनाया, बाद में क्या है? अक्सर लोग यही कहते हैं, तो क्या जब लोग बुराई करते हैं तो क्या मैं बुराई का रास्ता चुन लूं?
मैं भी औरों के समान हो जाऊं, संसार के सदृश बनूं, संसार के लोगों के जैसा बनूं, कदापि नहीं। और अगर ऐसा होता तो मसीह का आना, मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना सब व्यर्थ ठहरता। धन्यवाद इस बात का कि हम उन लोगों की भीड़ में नहीं है, परंतु हम उस भीड़ में से हैं जिसे यहोवा ने अपने लिए रखा है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स प्रे। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, दुष्ट की युक्तियां जो सफल होती हैं, दुष्ट की योजनाएं जो सफल होती है, उसके कारण मन ना कुड़कुड़ाए, हम आनंद से, भलाई से, करुणा से, कृपा से जो तुझ में आगे बढ़ते जाए, तेरी मर्जी में चले प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, अपनी योजना में चलाए, आमीन। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।